लखनऊ में हरदोई के विधायक रामपाल वर्मा से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की इस दौरान उन्होंने बताया कि 2022 में चुनाव आते ही बीजेपी ने सामाजिक संपर्क अभियान शुरू किया है विधायक रामपाल वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के सारे चार साल पूरे होने पर सरकार की योजनाओं को गिराने का काम शुरू किया और जनता से संपर्क अभियान करके बीजेपी के कामों को अब बता रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के कठवारा में जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर यो अपनी योजनाओं की जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब सपा लगातार हमलावर है वो कहीं ना कहीं जो कहा लगातार सपा अपने जो बाण है और हमारे साथ छेट छे एक्सप्रेस का उसी में सुल्तानपुर में उसी के साथ लगातार समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक और कई सारे नेताओं ने उस पर जा कर के फूल वर्षा की और कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन अपने हिसाब से जिस हिसाब से वो कर सकती थी करने की पूरी कोशिश की हमारे साथ बीजेपी के विधायक रामपाल वर्मा जी हैं उनसे बात करेंगे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आज बी टी में आकर के उन्होंने एक सभा की है लोगों को किस तरीके से बात की है आज सामाजिक संपर्क अभियान के अंतर्गत हम लोग इधर वैकेटी विधानसभा के अंतर्गत कठवारा के मजरा खेरवा में मलन खेड़ा में आए और यहाँ अपने समाज के लोगों के साथ बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति और कार्यशैली के बारे में जिक्र किया और जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को बताने का काम किया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अधिक रवि तिवारी जी और अनुसूचित मोर्चा ग्राउंड जीरो पर आकर के बात किए हैं तो कैसा क्या आपको लग रहा है क्या चीज़ें हैं कि सरकार की चीज़ें जनता जनता के बीच में पहुँची हैं या नहीं पहुँची बिल्कुल पहुँच रही हैं सभी जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं सबका शत प्रतिशत अनुपालन हो रहा है सभी योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं और उनका लाभ लोगों को मिल रहा है क्योंकि ऐसी दर्शिता के साथ सरकार ने काम करना शुरू किया है कहीं पे कोई बिचौलियों का हाथ इसमें शामिल नहीं है पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को लाभ मिल रहा है लोग खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से तन मन से खड़े हुए हैं यहाँ के मुझे लोगों के साथ मिलकर के अच्छा लगा है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अगले विधानसभा चुनाव में जीतेगी और इससे पहले समाजवादी में भी रहे हैं उसके बाद आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस के हाईवे पर जा करके अपने विधायकों के साथ उसका उद्घाटन करने की कोशिश की और रिबन काटने की कोशिश की क्या उसको कैसे देखते हैं वो उनकी नाटकबाजी है उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी के पास कुछ है ही नहीं मोदी और योगी जी के मुकाबले अखिलेश की औकात क्या है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें